सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट बैडमिंटन रैकेट अंडर 2500 रुपीज जो आपको 2021 में जरूर से खरीदना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी वीडियो प्रैक्टिकल बेसिस पे होने वाली है। तो इनमें से बहुत सारे रैकेट मैंने यूज कर रखी है, तो मैं शेयर करूंगा मेरा एक्सपीरियंस इन रैकेट के साथ कैसा था। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हमारे फिफ्थ नंबर की रैकेट है योनेक्स की तरफ से आने वाली योनेक्स नैनोरे लाइट 89 बैडमिंटन रैकेट, जो बहुत ही लाइट वेट बैडमिंटन रैकेट है। सो ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ये रैकेट खुद यूज़ की है, मेरे दोस्त के पास थी। अगर आप बैडमिंटन चालू ही कर रहे हो, आपको एक अच्छी रैकेट चाहिए जो 2000 के आसपास आपको मिल जाए एंड एक लाइट वेट रैकेट हो, तो ये रैकेट आपके लिए बेस्ट हो सकती है। आप इस रैकेट को कंसिडर कर सकते हैं। वेट की बात करें तो 77 ग्राम के वेट कैटेगरी में आपको ये रैकेट देखने के लिए मिल जाती है, जो बहुत ही एक लाइट वेट रैकेट है। अटैकिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं हो सकती, पर आपके डिफेंसेस के लिए ये बहुत ही अच्छी रैकेट हो सकती है। अगर आप डबल्स खेलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो आपके लिए ये रैकेट बहुत ही अच्छी हो सकती है। मैक्सिमम टेंशन की बात करें तो आप इस रैकेट पर 30 LBS तक स्ट्रिंग टेंशन लगवा सकते हैं। अगर आपने ये रैकेट खरीद ली, उस पर 28 LBS तक का भी स्ट्रिंग टेंशन लगवा लिया, तो आपके पास बहुत ही अच्छी रैकेट हो जाएगी। तो ये रैकेट अगर आप बैडमिंटन स्टार्ट कर रहे हैं या हायर बेसिक लेवल पे बैडमिंटन खेलते हैं एंड आपको एक लाइट वेट रैकेट चाहिए, तो ये रैकेट आप कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये रैकेट आपको 1900 से 2000 के रेंज में मिल जाती है। प्राइस कम भी हो जाती है एंड ज़्यादा भी हो जाती है। तो आपको अगर ये रैकेट खरीदोगे तो इस रैकेट की लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमारी फोर्थ नंबर की रैकेट है एपैक जेड जिगलर, जो बहुत ही बेस्ट बैडमिंटन रैकेट है। मेरे पास खुद भी एपैक जेड जिगलर बैडमिंटन रैकेट है, तो ये बहुत ही बेस्ट रैकेट है। तो जान लेते हैं इस रैकेट के स्पेसिफिकेशन। इसके साथ आपको G1 की ग्रिप साइज मिलती है, थोड़ी सी बड़ी ग्रिप साइज मिलती है। आइसोमेट्रिक हेडशेप के साथ आपको ये रैकेट देखने के लिए मिल जाती है। जो इसका हेडशेप है वो थोड़ा सा साइज में छोटा है इन कंपैरिजन टू एपैक फिनापी 232। एपैक फिनापी का थोड़ा सा हेडशेप बड़ा है, पर इस एपैक जेड जिगलर का थोड़ा सा हेडशेप छोटा है, पर वो इतना मायने नहीं रखता। एक मीडियम फ्लिक्स रैकेट आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, उससे बहुत ही बेनिफिट हो सकते हैं। आपको शटल पे अच्छा कंट्रोल मिलता है। अगर आपकी रैकेट मीडियम फ्लेक्स या स्टिफ फ्लेक्स है, तो आपको शटल पे बहुत ही अच्छा कमांड मिलता है, बहुत ही अच्छी पकड़ होती है आपके शटल पर, जो कहीं ना कहीं आपको फायदे दिलाती हैं। अटैकिंग के लिए ये रैकेट बहुत ही अच्छी है। अगर आप सिंगल या डबल दोनों खेलना प्रेफर करते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट रैकेट हो सकती है, अगर आप लेना चाहे तो। एक इवन बैलेंस रैकेट आती है, जो अटैकिंग के लिए एंड डिफेंसेस के लिए, मतलब सिंगल एंड डबल के लिए, दोनों प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी रैकेट होती है। अगर आप एग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों खेलना पसंद करते हैं, तो आपके लिए एक ऑलराउंडर बैडमिंटन रैकेट हो सकती है। तो अगर आप मेरी माने तो आप एक जेड जिगलर ही प्रेफर करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी रैकेट है। मैं खुद इस रैकेट को यूज़ करता हूँ, पिछले 2-2.5 साल से मैं इस रैकेट को यूज़ कर रहा हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस इस रैकेट के साथ बहुत ही अच्छा है। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर की रैकेट पर, जो है लीनिंग की तरफ से आने वाली लीनिंग टर्बो X92 बैडमिंटन रैकेट, जो लीनिंग की तरफ से आने वाली एक न्यूली लॉन्च सीरीज़ है, रैकेट की सीरीज़ है, जो बहुत ही बेहतरीन रैकेट इस सीरीज़ में अवेलेबल है। तो ये भी बहुत ही अच्छी एक रैकेट है। मैं इस रैकेट से खेला तो नहीं हूँ, पर मैंने जो रिव्यू पढ़े हैं ऑनलाइन, तो उससे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सिंगल्स खेलना पसंद करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रैकेट हो सकती है। तो जान लेते हैं इस रैकेट के स्पेसिफिकेशंस। ग्रिप साइज की बात करें तो 3.75 इंचेस की ग्रिप साइज आपको मिल जाती है। वेट की बात करें तो 85 से लेकर 87 ग्राम तक का वेट आपको इस रैकेट में देखने के लिए मिल जाता है, जो सिंगल्स के लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो सकता है, पर डबल्स के लिए आप अगर इस रैकेट को प्रेफर करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल्स के लिए हमें लाइट वेट रैकेट चाहिए होती है, पर ये रैकेट थोड़ी सी हेवी होने के कारण ये सिंगल्स के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। अगर आप एग्रेसिव एंड अटैकिंग खेलना पसंद करते हैं, तो आपके लिए ये रैकेट बेस्ट हो सकती है। हेडशिप की बात करें तो आइसोमेट्रिक हेडशिप के साथ आपको ये रैकेट देखने के लिए मिल जाती है। आप इस रैकेट पर मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन 28 से लेकर 30 LBS तक करवा सकते हैं, जो बहुत ही एक टाइट स्ट्रिंग टेंशन होता है, आपको बहुत ही अच्छा
परफेक्शन आपको इस रैकेट से मिल सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हाई फ्लेक्स के साथ आपको ये रैकेट देखने के लिए मिल जाती है, जो अटैकिंग के लिए एंड पंचिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। आपको इतना कमांड शटल पे नहीं मिलेगा, आपको अच्छी परफेक्शन नहीं मिलेगी इस रैकेट से। अगर आप कंपेयर करेंगे इस रैकेट को स्टीव फ्लेक्स रैकेट से तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे रह जाती हैं। तो ये जो लिस्ट है हमारे रैकेट की, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि एक नंबर की रैकेट बहुत ही बढ़िया है एंड फिफ्थ नंबर की पूरी बकवास है। सारे रैकेट्स अपने अपने जगह पर बहुत ही बेस्ट रैकेट हैं। इसकी प्राइस ऑनलाइन कम से कम 2300-2400 रुपीस के आसपास आपको ये रैकेट देखने के लिए मिल जाएंगी। इसकी बाइंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर की रैकेट पर, जो है लीनिंग की तरफ से आने वाली लीनिंग जीफोर्स 3600 बैडमिंटन रैकेट, जो लीनिंग की तरफ से आने वाली बहुत ही बढ़िया बैडमिंटन रैकेट है। तो जानते हैं इस रैकेट के स्पेसिफिकेशन। तो मटेरियल की बात करो तो मिलिट्री ग्रेड कार्बन फाइबर से ये रैकेट बनाई गई है। जो मटेरियल सुपर बाइक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, वही मटेरियल इस रैकेट में यूज किया गया है। इससे आपको हाई ड्यूरेबिलिटी मिलती है, लॉन्ग लास्टिंग ये रैकेट बन जाती है। बहुत ही टफ रैकेट होती है पर बहुत ही लाइट वेट ये रैकेट होती है। वेट की बात करें तो 79 ग्राम की ये रैकेट आती है। मैंने पहले बताया मिलिट्री ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाई गई है, उससे आपको ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी मिलती है एंड वेट में ये रैकेट बहुत ही कम हो जाती है। अगर आप डबल्स खेलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आपको डबल्स खेलना पसंद है, या आपको सिंगल एंड डबल के लिए एक लाइट वेट रैकेट चाहिए, तो ये रैकेट आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकती है। स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो आप इस पर मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन 32 LBS तक लगवा सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रिंग टेंशन होता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस रैकेट पर मैक्सिमम 28 LBS तक लगवा लें, जो आपको बहुत ही अच्छा परफेक्शन खेलते समय ये रैकेट आपको दे सकती है। तो ये है कंप्लीट पैकेज। अगर आप ऑलराउंड रैकेट देख रहे हैं, सिंगल डबल दोनों के लिए, एक लाइट वेट रैकेट देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकती है। इसकी प्राइस भी 2300-2400 रुपीस के आसपास ये रैकेट आपको ऑनलाइन मिल जाती है। इस रैकेट की बाइंग लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बढ़ते हमारे फर्स्ट नंबर की रैकेट पर, जो है योनेक्स की तरफ से आने वाली योनेक्स मसल पावर 29 बैडमिंटन रैकेट, जो एक बहुत ही अच्छी बैडमिंटन रैकेट है। मैंने खुद इस रैकेट को यूज़ किया है एंड मेरा एक्सपीरियंस इस रैकेट से बहुत ही अच्छा रहा है। ग्रिप साइज़ की बात करें तो G4 की ग्रिप साइज़ आपको इस रैकेट पे मिल जाती है, जो थोड़ी सी बड़ी ग्रिप साइज़ होती है, उससे आपको अच्छी हैंडलिंग आपको इस रैकेट में मिलेगी। वेट की बात करें तो 85 से लेकर 90 ग्राम्स तक की वेट कैटेगरी में आपको रैकेट देखने के लिए मिल जाती है, जो अगेन एक हेवी रैकेट है। सिंगल्स के लिए ये रैकेट स्पेशली बनाई गई है। आप डबल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर सिंगल्स के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। सिंगल्स के लिए थोड़ी सी हेवी रैकेट चाहिए होती है, जो ये रैकेट आपकी कमी पूरी की पूरी पूरी करती है। आप इस पर मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन 28 LBS तक लगवा सकते हैं, जो बहुत ही एक हाई स्ट्रिंग टेंशन होता है। मटेरियल की बात करें तो ये एल्यूमिनियम से बनाई गई हैं, जो थोड़ा सा ड्यूरेबल मटेरियल होता है, आप कितना भी पटको जल्दी से नहीं टूटता। शेप की बात करें तो आइसोमेट्रिक हेडशेप के साथ आपको ये रैकेट देखने के लिए मिल जाती है, जो आपको अच्छे परफेक्शन देता है। तो इस रैकेट का जो शेप है, हेड शेप, वो थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। अगर आप कंपेयर करोगे एपेक्स जेड जिगलर से, तो योनेक्स मसल पावर 29 का हेड शेप थोड़ा सा बड़ा है, जो आपको अच्छी परफेक्शन देता है। तो मुझे ये रैकेट पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है। सिंगल्स के लिए मैं इस रैकेट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है। मेरे दोस्त के पास थी, उसे मांग के मैंने ये रैकेट को यूज़ किया है, तो मुझे ये रैकेट बहुत ही अच्छी लगी थी। अगर आपको इन रैकेट की डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी होगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस रैकेट की डिटेल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी नई नई वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।